इस बीच हम आपको बता दें, बोनी कपूर जो हैं श्रीदेवी के पति, वो भी इस चार्टर्ड विमान से आ रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को लेकर के कई सवाल श्रीदेवी की मौत के बाद उठ रहे थे बोनी कपूर पर भी। दुबई पुलिस ने बोनी कपूर से पूछताछ की, बोनी कपूर पर उंगलियां उठाई जाने लगी। उनके दुबई छोड़कर भारत लौटने की वजह से लेकर श्रीदेवी की मौत के वक्त वहां होने या ना होने को लेकर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। लेकिन दुबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बाद बोनी कपूर को लेकर उठ रहे सभी सवालों पर विराम लग गया है। आई कैन टेल यू दैट आई थिंक इट्स मर्डर। ये बात बहुत ही साफ है कि उनका डेथ जो है कि नेचुरल डेथ नहीं है। 24 फरवरी की रात दुबई के मशहूर 5 सितारा होटल जुमेरा एमिरेट्स के उस कमरे में क्या हुआ जिसमें श्रीदेवी रुकी हुई थी, इसे लेकर बीते 2 दिनों में तरह तरह के दावे किए गए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या कहते हुए बड़ा सवाल उठा दिया। यही नहीं, उन्होंने मौत की मिस्ट्री का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी जोड़ दिया। वो तो शराब चूती नहीं थी, मैक्सिमम जो हम सुनते थे हमें तमिलनाडु में वो बियर से ज्यादा नहीं पीती थी। अब वो सिनेमा एक्ट्रेसेस और दाऊद की जो रिश्ते हैं, नाजायज रिश्ते हैं, उस पर थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब तो मेरे मित्र डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी चुप हो जाइए, हाथ जोड़ के आपसे पांव पकड़ के विनती है, चुप हो जाइए, मत बोलिए। यही उनके प्रति, वो दक्षिण भारत के हैं, आप भी तमिलनाडु के हैं, यही आपकी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दरअसल अब दुबई पुलिस ने 2 दिनों की जांच के बाद इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगाकर ये साफ कर दिया है कि श्रीदेवी की मौत को लेकर किसी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। खबरों के मुताबिक 24 तारीख को मुंबई से दुबई लौटने के बाद बोनी कपूर शाम करीब 7:30 बजे श्रीदेवी के होटल पहुंचे। श्रीदेवी की मौत का समय रात 11:30 बजे बताया गया, इसलिए ये सवाल उठे कि उन 4 घंटों में क्या हुआ जब बोनी कपूर श्रीदेवी के साथ थे। मुंबई के पत्रकार बालाकृष्णन ने श्रीदेवी की बॉडी के दोबारा पोस्टमार्टम तक की बात कही। इतने दुख की बात है कि दोबारा पोस्टमार्टम होगा, बोनी जी को रोक लिया जाएगा। जिस तरह के एक आदमी दुखी है, वो अपनी पत्नी खो चुका है, बच्चे दुखी हैं और अफवाहों की पतंगबाजी हो रही है। इस मामले में 2 दिनों तक हर पहलू की छानबीन करने वाली दुबई पुलिस ने भी श्रीदेवी की मौत को दुर्घटना बताकर सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।